ऑलराइट, सो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉग मैं ला रहा हूँ और मैं शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था तो इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो शॉर्ट्स आप लोग देख ही रहो कि कितना कॉमेडी कॉमेडी मैं शॉर्ट्स ला रहा हूँ, तो सॉरी गाइस क्योंकि नॉइज़ थोड़ा आ रहा है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। और ये ब्लॉग शायद एक महीने के लिए लास्ट ब्लॉग होगा क्योंकि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है ट्यूसडे से, तो एक महीना रमज़ान में मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट ईद के दिन ब्लॉग मैं बनाऊंगा, तो उस दिन हम लोग मिलेंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट में जो कि बिहार और झारखंड का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट, सबसे यूनिक रेस्टोरेंट खुला है, तो उसका नाम है फ्लाई डाइन रेस्टोरेंट जो कि मानपुर में खुला है। उसका मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वो कैसा रेस्टोरेंट बना है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। और बहुत यूनिक बनाया है वो, बहुत नया तरीके से बनाया गया, तो वहीं पर हम जाएँगे और मैं सब दोस्तों से मैं आप लोगों को मिलाऊँगा और सबसे इंट्रोड्यूस भी करवाऊँगा। जो जो जाएंगे वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे। तो ये ब्लॉग को मैं पूरा देखना और मेरे अगर शॉर्ट्स नहीं देखो तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है शॉर्ट्स के, वो भी देखो, बहुत ज़्यादा मज़ा करोगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना यार। तो मिलते हैं अभी डायरेक्ट जाके फ्लाई डाइन रेस्टोरेंट पर और बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे, तो चलते हैं। फाइनली आ चुके हैं हम लोग, ये सुखदेव पैलेस है, तो ये अब गिला में पड़ता है। इसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो शहबाज इधर आ गया और शहजाद और नसीम आ रहा है, तो इससे मिलिए। ये है शहबाज, टीम इरफान ग्रुप के बंदा जो कि ज़्यादातर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हम लोगों का यही करता है और इसका भी हम लोग कर ही देते हैं। हमेशा की तरह देख सकते हो लेट हो चुका है, इससे मिलिए। ये है शहजाद, टीम इरफान ग्रुप का बंदा। अगर ये फेस पे रुमाल भी बांध लेना तो लोग इसे हेयर स्टाइल से पहचान लेते हैं, तो इससे मिलिए। ये है नसीम, टीम इरफान ग्रुप का बंदा जो कि बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग है और यही है मुस्कान का आशिक। मजाक कर रहा था भाई, ये कोई आशिक वाशिक नहीं है, ये बहुत मेहनती है। फ्लाई डाइन रेस्टोरेंट और इधर ये है एयरप्लेन, ये तो एकदम भाई साहब रियल लग रहा है यार। अभी अंदर जाके हम लोग एक्सप्लोर भी करेंगे, तो इधर से ऊपर चढ़ने का रास्ता है और इधर से जाते हैं, तो देखते हैं कितना ज़्यादा मज़ा आता है। तो फाइनली आ चुके हैं हम लोग और ये लोग भी बिल्कुल आ चुका है, तो कैसा लग रहा है आने के बाद यार? बहुत अच्छा लग रहा भाई, ऐसा लग रहा है कि एयरप्लेन बिहार में एक फर्स्ट बार बना है। हाँ, बिहार में सबसे पहला बना है, फर्स्ट बार बना है। मैं भी अंदर से भी आप लोग को दिखाऊंगा कैसा बना और क्या रेट है, कब ओपनिंग है, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये एयरप्लेन है, ये दम एकदम रियल लग रहा है ना, रियल लग रहा है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि कितना ज्यादा मजा आता है देखने में। तो देख सकते हो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं फ्लाई डाइन रेस्टोरेंट में और ये बना हुआ है और बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है देखने में। तो अभी हम लोग अंदर भी जाएंगे, अंदर जाने के बाद एक्सप्लोर करेंगे कि कैसा बना हुआ है और अंदर जाने का कोई चार्जेस है या नहीं है। तो अभी ओपनिंग नहीं हुआ है, अब देख सकते हो आप लोग कि काम वाम लगा पड़ा है। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे और देखेंगे कि कब ओपनिंग है। तो इसका ओपनिंग डेट है 13 मार्च को, तो आप लोग भी आए और बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। इसका एड्रेस है मानपुर अबगीला सुखदेव पैलेस, तो इसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर जाने के बाद अभी देखते हैं हम लोग कि कितना ज़्यादा मज़ा आता है और कैसा बना हुआ है। तो चलते हैं, थोड़ा क्लोज चलते हैं और देखते हैं कि कैसा बना हुआ है। और ये बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, तो अभी काम भी बाकी है। ये वाला क्या बन रहा है भैया? ये वाला क्या बन रहा है? मछली रहेगा तो और खूबसूरत लगने वाला है। तो ये देख सकते हो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है एकदम। ये बॉडी किस चीज़ का बना हुआ है भैया? अल्मोनियम ही सबका, तो ये अल्मोनियम का बॉडी बना हुआ है एकदम, बिल्कुल ओरिजिनल टाइप का लग रहा है भाई। तो टायर की बात करें तो टायर कैसा बना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो भाई साहब, इसका पंख वो देख लो यार, बहुत
टायर देख सकते हो आप लोग किस चीज से बना हुआ है। टायर प्लास्टिक का लग रहा है, ये प्लास्टिक का बिल्कुल। तो अभी चलते हैं, ये लोग इधर से देख सकते हो कि खड़ा होकर देख रहा है मुझे। फाइनली गाइस अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो अब इधर से देख सकते हो आप लोग रास्ता है, तो इधर से अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, उसके बाद आप मैं सब कुछ दिखाऊंगा व्यू, और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये लोग भी हमारे साथ में आ रहे हैं, तो भैया भी साथ में, वो बताएंगे कि यहाँ का कोई चार्जेस है कि नहीं है। तो भाई यहाँ पे गया सर, बहुत अच्छा स्टूडेंट खुला सुखदेव पैलेस, ये प्लस शादी उदी का फी यहाँ पे ये होता है, प्लस ये पहली बार गया सर में फ्लाइट वाला खुला स्टूडेंट, बहुत अच्छा है यहाँ सब चीज आपको बहुत, मतलब ये ब्रिज भी बन, ग्लास ब्रिज टाइप का बन चुका है ये, और बिल्कुल अच्छा लग रहा है जाने में, बहुत मजा आ रहा है, अरे डर सा लग रहा नीचे देखने में। तो यहाँ से अभी हम लोग एंट्री करेंगे, और यहाँ से यहाँ पे देख सकते हो आप लोग रिसेप्शन काउंटर है यहाँ पे, और इस तरफ से एकदम बिल्कुल फ्लाइट वाला है, एकदम चलते हैं अभी अंदर, और अंदर चलते हैं आप लोग दिखाता हूँ। फाइनली गाइस अब हम लोग फ्लाइट में जा रहे हैं अंदर, अंदर आने के बाद देख सकते हो गाइस कितना ज्यादा लग रहा है, लग रहा है ऐसा ओरिजिनल फ्लाइट में हम लोग आए हैं। तो नसीम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा भाई। शहजाद? शहजाद कहाँ चले गए भाई? तो हम लोग रियल फ्लाइट में चारों अभी तक यहाँ ट्रैवल हम लोग नहीं किया, इंशाल्लाह करेंगे, ये रेस्टोरेंट वाला फ्लाइट है तो हम लोग करेंगे ना। हाँ इंशाल्लाह भाई, क्यों नहीं करेंगे। तो शहजाद कहाँ रह गया? कहाँ, रियल फ्लाइट में है क्या? हाँ बिहार में ना, ना बोल खुला है ये। हाँ तो दो बार थोड़ी खुला था, फर्स्ट बार तो है भाई। तो यहाँ से मैं आप लोग को दिखाता हूँ, तो कौन सा सीट लेगा तेरे को? विंडो सीट हमको चाहिए भाई। भाई विंडो तो हमको भी चाहिए भाई। तो क्या फायदा विंडो सीट, फ्लाइट पे कहीं पे भी सीट मिल जाएगा ना, हम लोग सो भी जाएंगे आराम से। विंडो सीट थोड़ी खुलता है जो भाई, यहाँ पे 300 में आप फ्लाइट का नजारा भी और खाने का स्वाद भी टेस्ट कर सकते हैं, दोनों मजा। यहाँ पे अगर आना हो अंदर एंट्री लेना हो तो 300 रुपए रिसेप्शन काउंटर पे आपको लगेंगे, और यहाँ पे आने के बाद वो 300 रुपए, जैसे 600 रुपए का बिल बना तो आपको 300 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा, पर पर्सन 300 रुपए लगेंगे। तो अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसा बना हुआ है। में देख सकते हो गाइस रात में ये बहुत खूबसूरत लगने वाला है, ये सब लाइट है एकदम बिल्कुल छोटा छोटा लाइट है, और ये सब भी रात, ये क्या भैया लाइट? अच्छा ये भी लाइट है, रात में जलेगा। तो देख सकते हो आप लोग कितना खूबसूरत बनाया गया है। तो नसीम सारा सामान रख दिया भाई, ये फ्लाइट नसीम सारा सामान इसमें रखा है, इसमें रखा है। अरे इसमें सामान थोड़ी रखा गया तू, हाँ भाई बोल रहा है यार, खाने का गाड़ी के डिक्के में सामान। शहबाज फोटो लेने की तैयारी कर रहा, कैसा लग रहा? बहुत मजा आ रहा है। गर्मी लग रहा है ना? अभी थोड़ा एसी बंद है ना, तो ओपनिंग अभी नहीं हुआ है तो इसलिए एसी बंद है। जब ओपनिंग 13 मार्च को हो जाएगा तो यहाँ पे एसी भी चलेगा, और बहुत अच्छा लगेगा। इसका सीट भी आप लोग देख सकते हो बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो देख सकते हो गाइस एकदम मेरा विंडो सीट मिलेगा, एकदम विंडो सीट से आप लोग देख सकते हो, मतलब ओरिजिनल वाली फीलिंग रही है, मतलब फीलिंग आ सकता है। जो पेन में नहीं बैठा है वो यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकता है, और रेस्टोरेंट में एकदम खा सकता है, और रेस्टोरेंट भी अच्छा ही बना हुआ, तो गद्दा भी सीट एकदम लगा हुआ है, एकदम बहुत कम्फर्टेबल है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बॉटल वगैरह सब कुछ रखा हुआ है रेस्टोरेंट के टाइप का। ये गया शहर में एकदम परफेक्ट बना है यार, मतलब ऐसा कहीं नहीं था बिहार झारखंड में, एकदम सॉलिड वाला रेस्टोरेंट बना है ये। तो मैं जब भी प्लेन में जाना चाहूंगा तो विंडो सीट मुझे चाहिए, इन लोगों को मैं विंडो सीट नहीं लेने दूंगा। तो देख सकते हो आप लोग इधर, तो आइए भैया से कुछ पूछते हैं। तो ये कब से बन रहा है भैया? 2 महीने से। 2 महीने से बन रहा है, तो यहाँ पे मतलब बनने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा हुआ है ना? ये क्या चीज का? बैंगलोर से आके बना है, बिहार के कारीगर थे। अच्छा बैंगलोर बिहार, मतलब सब जगह से आए हैं, जहाँ जा यूपी के भी आए हैं। अच्छा आपका नाम क्या हुआ? कीर्तन सुजन भारती। अच्छा तो ये क्या चीज का बना हुआ है? ऊपर में अच्छी है अल्मोनियम। अल्मोनियम है। अच्छा बाकी ये सब फाइबर वाइबर है, सीट वेट जो रहता है। चलिए बढ़िया है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। तो आप लोग को मैं दिखा चुका हूँ कि ये कैसा है, बहुत अच्छा बना है ये गया में, एकदम बिल्कुल बना नहीं था ऐसा, लेकिन ये जो बना है ना बहुत भीड़ जाने वाला है यहाँ, और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। चलिए गाइस हम लोग अंदर से बाहर आ चुके हैं, और ये ग्लास ब्रिज देख सकते हो, ग्लास ब्रिज का भी मजा ले लिया हम लोग, है ना, मजा ले चुके हम लोग ग्लास ब्रिज का। और ये हम आपको दिखा चुके हैं कि कितना अच्छा ये फ्लाई डाइन रेस्टोरेंट बना हुआ है, और यहाँ पे जब आओगे आप लोग तो यहाँ से लोकेशन आप लोग देख सकते हो कितना सॉलिड है।
तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसा ही यूनिक यूनिक गेम रेस्टोरेंट खुलेगा तो मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरे जब भी वीडियो अपलोड है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल। अब चलते हैं।